हिजाब पर रोक लगाने के हवाले से कर्नाटक हाईकोर्ट के उबूरी हुक्म से एकसा तौर पर फिक्रमंद समाजी कारकुनान मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले मुतादिद साबिक जजेस दानिश्वर और तलबा तंजीमों से जुड़े 765 अफराद ने चीफ जस्टिस के नाम लिखा मुश्तरका खत। कहा कि मुस्लिम लड़कियों और टीचर्स को हिजाब उतारने के लिए किया जा रहा है मजबूर, जो कि न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे मुस्लिम समाज की तौहीन और भारतीय आईन की भी है खिलाफ वर्जी। तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दायर अर्जी पर कर्नाटक हाईकोर्ट में की गई समाअत। अर्जी गुजार की जानिब से पेश होने वाले एडवोकेट ने कर्नाटक तालीमी कानून का हवाला देते हुए किया हुकूमत पर हमला। कहा कि उसूल के मुताबिक स्कूल यूनिफॉर्म तब्दील करता है तो पहले वालिदैन को करता है पेशगी नोटिस इरसाल। अगर हिजाब पर पाबंदी आयद करना था तो वालिदैन को एक साल पहले भेजना चाहिए था नोटिस। हिजाब पर पूरे मुल्क में मचे हंगामे के दरमियान हिमाचल प्रदेश के तालीमी इदारों में लगा दी गई हिजाब पहनने पर रोक। हिमाचल प्रदेश के तालीमी इदारों में तय ड्रेस कोड पर ही मिलेगा तालिबात को दाखिला। स्कूल खुलने से पहले हिमाचल प्रदेश के वजीर तालीम गोविंद सिंह ठाकुर ने किया बड़ा ऐलान। कहा कि इस मामले को मजहबी रंग देना गलत, ये मौजू ही नहीं होना चाहिए। पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब सरजन ने अपने बयान में गिनवाई बीजेपी हुकूमत की नाकामियां और कहा कि बीजेपी हिजाब की मुखालफत के बहाने फिरकावाराना पोलराइजेशन के लिए कोशां। साथ ही कहा कि 5 सूबों में हो रहे इंतखाबात में पोलराइजेशन के लिए बनाया हिजाब का इशू, जबकि मुल्क को सूबे में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी ने तोड़ दी है आम लोगों की कमर। कर्नाटक के तालीमी इदारों में मजहबी लिबास पहनने की इजाज़त देने का मामला जहां हाईकोर्ट में जेर समात, वहीं रियासत के मुख्तलिफ सरकारी कॉलेजेस ने हिजाब पहनकर दाखिल होने वाली तालिबात को भेज दिया वापस। लेकिन कॉलेज इंतजामिया का इस्तेदलाल कि वो सिर्फ हाईकोर्ट के उबरी हुक्म पर कर रहे हैं अमल। 10वीं जमात के इम्तिहान में तालिबात के हिजाब उतारने की शर्त पर तालिबात ने कर दिया इम्तिहान तर्क। वाकये के एक दिन बाद वजीर दाखिला कर्नाटक अरागे ज्ञानेंदर ने कहा कि हालात मजमुई तौर पर पुरअमन, और कहा कि हिजाब पहनने की सूरत में स्कूल में दाखिल होने से रोकने के वाकयात हैं पेश आए। साथ ही कहा कि हाईकोर्ट के उबूरी हुक्म की खिलाफ वर्जी पर की जाएगी कार्रवाई। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर मुकदमे की लगातार की जा रही है समाअत। मुस्लिम तालिबात की जानिब से सीनियर एडवोकेट रवि वर्मा कुमार और यूसुफ मछाला ने की मुदल्लल बहस। रवि वर्मा कुमार ने कहा कि हिजाब पर पाबंदी लगाने के बारे में किया जा रहा है मुसलमानों के साथ इम्तियाज। हिंदुओं को चूड़ियां, बिंदी, सिख को पगड़ी और ईसाई को क्रॉस पहनने की आज़ादी है, तो फिर सिर्फ हिजाब को क्यों बनाया जा रहा है निशाना। दिल्ली में उर्दू जबान को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा मिलने के बाद भी सरकारी महकमे उर्दू को कर रहे हैं नज़रअंदाज। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर कलीमुल हाफिज ने प्रेस रिलीज कर किया ख्यालात का इजहार और कहा कि उर्दू में दी जाने वाली अक्सर दरख्वास्तें रद्दी की टोकरी में ही डाल दी जाती। दिल्ली के पुलिस स्टेशनों पर उर्दू में भी नाम लिखे गए थे, मगर अब नए बोर्ड लगाए जा रहे हैं तो उर्दू कर दी गई गायब। हज 2022 के लिए 1,00,000 से भी कम दरख्वास्तें मौसूल होना अपने आप में तशवीश का बाइस। फॉर्म भरने की तारीख में तौसी के बावजूद मरकजी कमेटी को सिर्फ 92,381 दरख्वास्तें हो पाई मौसूल। प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी के मुताबिक हज कमेटी और प्राइवेट ऑपरेटर्स के अखराजात में नहीं रहा अब ज्यादा फर्क, इसलिए अब आजमीन हज प्राइवेट ऑपरेटर्स को ही दे रहे हैं तरजीह। कॉलेज हॉस्टल में रैगिंग को लेकर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शताब्दी हॉस्पिटल में आया मामला सामने। तालिबा को आधी रात को बरहना करके मारपीट कर गले में बेल्ट बांधकर घसीट कर किया गया जख्मी। इस मामले में कर्नलगंज पुलिस थाने में किया गया मामला दर्ज। सीओ कर्नलगंज अजीत सिंह चौहान ने बताया कि तमाम मुलजिमान IVI के तालिबे इल्म, मुलजिमान की तलाश में टीमें दी गयी तश्कील।